Assalamu alaikum, dear student. How are you? This is your teacher Yum Khan, and you all are welcome to the Edu Qabil Academy. Today I'm gonna to start the retro synthesis. This is the very important topic in MSc final year. In this lecture, we are gonna to show you to explain you the five different term about the retro synthesis. First, we start the retro synthesis. What is the retrosynthesis? Retrosynthesis is the synthetic planning that starts from the product and go back to reactor. Retrosynthesis hamare paas is aisa process hai, is aisa synthetic planning hai jo product se start ho jata hai aur reactant tak jata hai. Retrosynthesis mein hum taqreeban 5 different cheezes jo hai na wo padhne wali hai. कि रेट्रोसेंथेसिस में हम पांच चीज पहचानने वाले कि ये क्या चीज. नंबर फर्स्ट, इसमें टारगेटेड मॉलिक्यूल कौन है. नंबर सेकंड, इसमें सिंटॉन की कौन है, सिंटॉन क्या है, डोनर है या एक्सेप्टेंस सिंटॉन है. नंबर थर्ड, हम इसमें पढ़ने वाले केमिकल इक्विवेलेंस चीज क्या है, केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, और सिंथेटिक एरो क्या है, ठीक है, और डिसकनेक्शन क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि रेट्रोसिंथेसिस इज द सिंथेटिक प्लानिंग दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड गो बैक टू रिएक्टर. परस करें हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट है. हमें पता है कि ये रेट्रोसिंथेसिस में एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से लेकर रिएक्टेंट तक जाता है, गो बैक टू रिएक्टर. हम इस पर डिसकनेक्शन करता है. वी वांट टू डू द डिसकनेक्शन हियर एंड डिफरेंट पोजीशन. द डिसकनेक्शन, नाउ व्हाट इज डिसकनेक्शन. डिसकनेक्शन इज द एक्चुअली द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिसकनेक्शन. और ये जो एरो है, ये जो साइन है, ये सिंबल है, इसी तरह ये सिंबल, इस पर हम डिनोट करता है डिसकनेक्शन. क्यों डिसकनेक्शन यहाँ पर हुआ है? तो हमें पता है कि हम डिसकनेक्शन में नंबर फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि टारगेटेड मॉलिक्यूल क्या है. तो टारगेटेड मॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगो रेट्रोसिंथेसिस. द कंपाउंड आर द मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगो रेट्रोसिंथेसिस इज नोन एज टारगेटेड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर रेट्रोसिंथेसिस जो हम करने वाले हैं तो वो मॉलिक्यूल ही है. तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल है होगा, ठीक है. ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे टीएम होगा, मतलब टारगेटेड मॉलिक्यूल होगा. ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा. अच्छा, अब हम ये भी पढ़ने की ये एरो क्या है. इस एरो को हम कहता है कि ये क्या है हमारे पास, ये है डिसकनेक्शन एरो. दिस एरो इज नोन एज डिसकनेक्शन एरो, ठीक है. ये हमारे पास डिसकनेक्शन एरो है. और यहाँ पर मैंने ये लिखा है कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैंने ईथर लिखा है. तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो बॉन्ड हम क्लीवेज ब्रेक करने वाले हैं, वो कार्बन और ऑक्सीजन की दरमियान में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है. और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है. ईथर फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड हम ब्रेक करने वाले हैं, और वह बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है. अच्छा, जब ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या होगा, वह ऑक्सीजन की तरफ आएगा. तो ऑक्सीजन भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर जो कार्बन है, सॉरी ये मैंने यहाँ पर होगा ऐसा हो, इस तरफ होगा कि यहाँ पर जो कार्बन है वह पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है. अब ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे पास ये बात हमें जरूर होना चाहिए कि ये जो दो स्पीशीज बन गया यहाँ पे आफ्टर द रेट्रोसिंथेसिस, हमारे पास दो स्पीशीज बन गया. दिस स्पीशीज इज नोन एज कॉल्ड सिंटॉन. ये हमारे पास क्या है, ये सिंटॉन है, ठीक है. Synthon, the species, this the synthon is the unstable species which make after the disconnection. ठीक है, ये कौन सा species है, the species which make the unstable species which make after the disconnection.
जब हम एक कंपाउंड का डिसकनेक्शन करती हुई इसका इससे जो प्रोडक्ट बनता है, इस जो रिएक्शन बनता है पहले स्टेप में, वह हमारे पास सिंथान होगा। क्या होगा? सिंथान। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम रिएक्टन नहीं कहा जाता, यहाँ पर हम रिएक्टन को सिंथान कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टन को सिंथान कहा जाता है, ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पर भी एक लफ्ज़ लिखा है केमिकली इक्विवेलेंट। ये जो सिंबल्स है, ये जो थ्री लाइन है, ये हमारे पास शो करता है कि ये चीज़ इस कंपाउंड या ये इसका इक्विवेलेंस है, ठीक है। हमें यहाँ पे दो स्पीशी बन गया। हाँ, हमने कहा कि ये अनस्टेबल है। पहले तो ये बात रखना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अनस्टेबल है। हमारे रेट्रोसेंथेसिस में ऐसा स्पीशीज जो बनाना बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं होगा, ठीक है। हम बाद में पढ़ेंगे व्हेन द पॉजिटिव चार्ज अगर ऑन द कार्बन द प्रायर दिस इज जीरो प्रायोरिटी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर बन गए ये बन दे विल मतलब ये कि ये बनेगा, लेकिन इस रेट्रोसेंथेसिस में इसका प्रायोरिटी बिल्कुल है नहीं। अगर होगा तो हमारे पास अगर ये कंपाउंड इस तरह होता, यहाँ पर ऑक्सीजन हम एंटर करती है, ठीक है। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो फिर डिसकनेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। नेगेटिव ऑक्सीजन पे और पॉजिटिव कार्बन पे कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा कि रेट्रोसिंथेसिस क्या है। तो यहाँ पर मैंने केमिकल इक्विवेलेंस का बात करना था। ऑक्सीजन जो है या कि रेट्रोसिंथेसिस में जो पॉजिटिव स्पीशी बन गया उससे हम ज़रूर नेगेटिव स्पीशी जोड़ेंगे, और जो नेगेटिव बन गया उसके साथ पॉजिटिव स्पीशी बनेगा जोड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। या हम ये OHB कह सकते हैं कि OHB है नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव के साथ हम H पॉजिटिव, ठीक है, OH ओ नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विवेलेंस बन गया। पहले ये बात रखना चाहिए, आप जहन में रखना चाहिए कि रेट्रोसिंथेसिस क्या चीज़ है। रेट्रोसिंथेसिस इज द सिंथेटिक प्लानिंग द स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड गो बैक टू रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरी बात कि हमारे पास डिसकनेक्शन क्या है। डिसकनेक्शन इज द एक्चुअली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू देयर कंपोनेंट्स इनटू देयर फ्रैक्शंस, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास TM क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। द मॉलिक्यूल विच अंडरगो द रेट्रोसिंथेसिस इज कॉल्ड टारगेटेड मॉलिक्यूल। सिंथान क्या है? सिंथान इज द अनस्टेबल स्पीशीज विच फॉर्म आफ्टर द डिसकनेक्शन। केमिकल इक्विवेलेंट जो हमारे पास है वो क्या है कि जब केमिकली ये हमें पता है कि सिंथान अनस्टेबल है, तो ये सिंथान का वेरिएंट कन्वर्ट करने के लिए हम इसे एक ऐसा स्पीशीज छोड़ेंगे कि जिससे सिंथान स्टेबल होगा। तो इस इज कॉल्ड केमिकली इक्विवेलेंस। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।